वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अस्सलाम वालेकुम आप सबको. आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया. आज बड़ा बुरा माइग्रेन का पेन था. थैंक्स टू इलेक्ट्रिसिटी जो रात को बार बार जाती है और बार बार आती है. सो एनीवे नींद वाकई पूरी नहीं हुई भी. ऊपर से शूट्स भी ऑन हो गई हैं नए सीरियल की, तो वो थोड़ा सा मिक्स हो गया है थोड़ा. तो एनीवे बट आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से खड़ा हाँ, और आपके आने से पहले जैनब की कॉल आई थी और उन्होंने आपको बहुत बेस्ट विशेस दी हैं क्योंकि उनकी पहली कॉल थी तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी. अच्छा. तो मैंने कहा यही कर सकते हैं कि मैसेज दे सकते हैं आपका. जैनब थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल और शो को आगे बढ़ाते हैं. मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए बड़े मजे मजे के. बड़ी मजे मजे की बातें आप लोग करते हैं. बड़ा अपना 100% हम लोगों को देते हैं जो कि यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है इस बात पे कि जब आप लोगों का प्यार मिलता है आप लोगों की दुआएं मिलती हैं. तो यकीन कीजिए मैं इसलिए आगे खड़ा हो गया हूँ वरना माइग्रेन का पेन आधे घंटे में इस तरह गायब होता नहीं. हाँ नहीं वाकई में बहुत तकलीफ है ये चीज होती है. लेकिन आगा साहब से कुछ ना कुछ पूछेंगे इसके बारे में भी. आगा साहब डरा ना दें फिर. वो पता नहीं दिमाग के अंदर की नसों और पता नहीं वेंस के बारे में बताना शुरू कर रहा है. इंसान का दिमाग ही वहां फट जाए. अच्छा बाय द वे आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. उमेर जालियावाला हमारे साथ मौजूद हैं और एक बहुत अच्छी चीज वो बता रहे हैं कि आप जो भी काम करें उस पर अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करें. चाहे आप वो छोटा से छोटा काम कर रहे हो या बड़े से बड़ा काम कर रहे हो तो उसमें आप अपने 100% देंगे तो डेफिनेटली आपको उसके फायदे भी बहुत ज्यादा होंगे. तो चल के पूछते हैं उमेर से. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात उमेर की है. आसमान से छलांग लगा के आए. चल के पूछते हैं कैसा रहा ये एक्सपीरियंस स्कूल ऑफ लीडरशिप से उमेर जालियावाला. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम आयशा. कैसे हो उमेर? ठीक ठाक. बिल्कुल फिट. वेरी वेल. आपको देखने के बाद मैं ज्यादा फिट हो गया. मैंने कहा कि आई एम स्टिल बेटर ऑफ. दैट्स ग्रेट उमेर. वाकई मतलब व्हाट इज दिस 100% for everything. अच्छा before I begin मैं बहुत सारे नाम लूंगा मुख्तलिफ जगहों के because I do this training with youngsters in the corporate market with professionals with housewives. तो मेरी आदत है मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी मिसालें देता हूँ तो आप उसको आसान टोन डाउन करा दीजिएगा और मुझे बैक ऑन ट्रैक ले आएगा. ठीक है. फॉर मी 100% is जिस तरह माइकल एंजेलो ने कहा था कि अगर तुम्हें टेबल भी साफ करने के लिए दी जाए तो इस अंदाज से करो कि फरिश्ते आके पूछें कि किस माई के लाल ने साफ किया. Wow. So that's 100% for me. It could apply to anything. For example, housewives, आपने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, आपने घर का काम करना है. स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स में अपियर होना है. प्रोफेशनल जो सुबह नौकरी पे जाते हैं जिन्होंने अपने करियर के बारे में सोचना है. वो लोग जो कि हुकूमत में है और सर्विस दे रहे हैं. तमाम प्रोफेशनल्स कर पाए. अच्छा Back to the point. So, yes, that's the point. तो जो काम करना है उसको बेहतरीन अंदाज में. अब इस पे दो जावी हो सकते हैं. एक तो ये आप कहें कि मैं वैसे ही बेहतरीन कर रही हूँ, मेरे पास जितना टाइम है वो मैं थारा का सारा यूटिलाइज कर रही हूँ. कुछ लोगों को लग रहा होता है कि they are giving their 100%, but it's not 100%. Then आगाही की बात है उस पे सिलसिला है कि अगर आपको लग रहा है कि आप बेहतरीन करें तो इसका मतलब ये कि आप इससे बेहतर को जानते नहीं है. बेंचमार्क की बात है. मेरी बहन कहती है अल्लाह का शुक्र है आजकल सिर्फ 4 घंटे लाइट जा रही है. So hence the benchmark is missing. अगर आप जापान की बात करें तो वहाँ 40 साल से लाइट नहीं गई. हाँ, जब आप वो जाते तो आप कहते हैं अच्छा ऐसे भी हो सकता है. उनको खुशी का टाइम ही नहीं मिलता. तो सोचो जब लाइट जाके आती है तो कितनी खुशी होती है. आ गई वाली चीज. हमने ये ख्यालात छोड़ने. अगर हमें बेहतर बनना है तो हमने इन ख्यालात को छोड़ना है. हम लोग तो देखो बहुत सारी चीजों में हम कोप अप कर गए. ठीक है सड़क पर पानी खड़ा है. अरे यार अच्छा चलो कोई नहीं इधर से निकल जाएंगे. कहीं गोलियां चल रही हैं आपने कह रहे उधर गोलियां चल रही हैं अच्छा इधर मुड़ कर. आप अमेरिका में या जापान की आप मिसाल दी है वहां पे आप इस सड़क पर गोलियां तो चलाएं जरा. तो उन्होंने जाके देखे ना स्पेस में कितना काम किया है. उन्होंने जाके देखे ना इस हॉल में जो कुछ लगा हुआ है कि कोई पाकिस्तानियों की इजाद नहीं है कोई मुसलमानों की इजाद नहीं है. हालांकि मुझे हैरानगी होती है इस बात पे जो आप बात कर रहे हैं क्योंकि ये जितनी चीजें हैं ये सब मुसलमानों ने दी. ये जितनी अकल है या ये जितनी शऊर है बहुत सारी चीजें. तो वो तो अगर आप तारीख उठा के पढ़ें जो लाइब्रेरियां होती थी मस्जिदों के साथ इल्म बांटा जाता था सोशल कॉन्टेक्स्ट होता था उसमें डिस्कशंस किए जाते थे. वो तो अब कुछ नहीं रहा. अब तो दीन और दुनिया को सेपरेट कर दिया गया है. अगर आपके पास ये 1 घंटा पढ़ा है और अगर मैं रिलीजियस प्रीचर हूं तो मैं आपको कहूंगा कि फैसला आप ये 1 घंटा सलातो तस्बीह पढ़ लें आप इबादत में लगा दें. लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा ये 1 घंटा है तो आप ये ऐसी इजाद करेंगे तो इससे भी अल्लाह की मखलूक को फायदा होता है.
है और उसका भी सवाब है। या अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप ये काम बेहतरीन अंदाज में करते हैं और आप रिस्क हलाल कमाते हैं तो उससे भी आपकी जन्नत पक्की होती है। तो व्हाई इज इट ओनली इबादत, बिकॉज जिंदगी इटसेल्फ इज इबादत। अभी मेरे बाल जो नहीं है, मैं उमरा भी करके आया, उसमें मेरी काफी रियलाइजेशंस हैं और ये उसमें भी 100% वाली बात है। इट कुड बी एज सिंपल एज कि जब आप इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे भी बहुत तरावियां पढ़ी हैं, लेकिन जब मैंने वहां पे तरावी पढ़ी तो वक्त कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। और हालांकि अरबी हम वहां भी नहीं समझते, लेकिन जो टोन होती है इमाम की वो आपको बता रही होती है कि कहाँ खुशी का पैगाम है, कहाँ गम की बात है, कहाँ गुस्सा दिलाया जा रहा है, क्योंकि उसका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है उस काम के साथ। बिल्कुल। सो इट्स नॉट अ रिचुअल एनी मोर देन। सो लाइफ इज द सेम। जिंदगी भी रिचुअल हो सकती है कि आप सजदे लगाते रहें, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें, या जिंदगी में स्पिरिट आ सकती है जहां हर सजदे की कीमत कुछ और हो जाती है। इसी वजह से देखो ना, पांच नमाजें की हैं अगर हम मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। पहले कहते हैं कि हर चीज की नमाज होती है, खाने की नमाज होती थी, सोने की नमाज होती थी, जागने की नमाज होती थी। तो हुजूर पाक ने जब देखा कि मेरी उम्मत जो है वो इस तरह से कोप अप नहीं कर पा रही है काम के साथ, तो उन्होंने कम करवाई नमाजें। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से। हाँ, सही बात। तो इसी वजह से कि काम किए जाए। और जैसे आपने कहा, आई हैव बीन टू टर्की, आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस, जहाँ जाके मैंने ये सारा कुछ देखा है, जहाँ रिसर्च सेंटर्स मुस्लिम्स के बने हुए हैं, जहाँ पे डिस्कवरी सेंटर्स मुस्लिम्स के बने हुए हैं। कभी कभी हमें देख के हैरानगी होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट जिनके बारे में मैं पढ़ रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो या तो मुसलमान हो जाते हैं या वो कहते हैं कि नहीं भाई, इसके बाद तो अल्लाह ही है। यू नो, तो इस तरह वो तो एक हकीकत है, उस पर तो हम बहस ही नहीं करते। बैक टू पॉइंट, काम जिसकी इस वक्त हर इंसान को जरूरत है। जैसे आप कहते हो कि टेबल इस तरह से साफ की जाएगी फरिश्ते आके पूछे। बहुत सारे हमारे काम है, जैसे एक बहुत छोटा सा मैं कहता हूँ कि घरेलू खवातीन, जब आपने बात की कि वो 100% देती हैं, तो वो बच्चे भी आपको दुनिया में नजर आते या वो घर भी मिसाल बन जाता। सो इस तरह से किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं आपके? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो कॉम्बिनेशन होते हैं, उस पर कहीं पे हम वीडियो दिखा के भी डिस्कशन करा लेते हैं, तो कई मुख्तलिफ एक्सरसाइज है। इट कुड बी एज सिंपल एज आपके स्टूडियो में लोग बैठे हैं, मैं अगर इनको कहूँ कि आप सबने ताली बजानी है, टू क्लैप वंस, दे विल ऑल गोइंग टू क्लैप, बट यू विल रियलाइज दैट क्लैप विल नॉट बी देयर बेस्ट। पहली ताली कैसी होगी? ठंड में हो जाएगी, अच्छा लौंडा आया है, कह रहा है बजा देते हैं, क्या जाता है, ही इज ऑन द शो। बट अगर आप इनको चैलेंज करते रहे तो यू विल रियलाइज दैट दिस द फाइनल क्लैप दैट दे विल डू विल क्रैक दिस ऑल अप। सो अगर एक ताली पे ये बात है तो आप सोच लें कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ, अगर मैं आपको सिर्फ ये कंडीशन देता हूँ कि आप ये समझ लें कि आपके सर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो आपकी तमाम हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, आप जो काम कर रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं आज के दिन में वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये कल TV1 पे चलाया जाएगा, तो क्या आज का दिन आपका मुख्तलिफ होगा? क्या आज आप जो बातें करेंगे वो मुख्तलिफ होंगे? हाँ। मैंने जब ये करियर शुरू किया था 5 साल पहले, तो मेरे मेंटोर ने मुझे कहा था कि तुम जो लफ्ज कहोगे अपनी जुबान से, बस ये सोच लो कि ये आने वाली जनरेशंस को सुनाया जाएगा, तो तुम्हारा वो लफ्ज क्या होगा? सही, अगर सोच समझ के बंदा बोले। एंड इट कुड बी एज सिंपल एज कि अगर आप अपने लोगों से सवाल करें, व्यूअर्स से सवाल करेंगे, अगर आपको जिंदगी दोबारा जीने का मौका दिया जाए तो क्या आप वही जिंदगी जियेंगे जो आप अभी जी रहे हैं? क्या आप उन्हीं लोगों के साथ घूमेंगे जिनके साथ आप अभी घूम रहे हैं? क्या आप वही काम करेंगे जो आप अभी कर रहे हैं? और ज्यादातर का जवाब ना होगा। अगर आप पूछें ऐसा क्यों है तो फिर बहाने, फिर रीजंस, क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी है। अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल किया था, मैंने कहा मैं तो अगर मिली तो मैंने कहा आई विल बी फैसल कुरैशी अगेन। दैट्स ब्रिलियंट एंड दैट्स द लाइफस्टाइल दैट वन वुड आइडियली लाइक, कि अगर आपको अभी 5 मिनट रिवाइंड करके दोबारा जीने का मौका दिया जाए तो आप वही काम करें जो आपने किया है। Exactly. That's a life of no regrets. आप देखें इतनी खूबसूरत बात है अभी जो उमेर ने की है कैमरे वाली, कि अगर आप ये सोचें कि आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, हालांकि हकीकत यह है कि हर इंसान पे 24 घंटे जो एवटार में टेक्निक इस्तेमाल नहीं हुई, मुंह पे 5-6 कैमरे लगे हुए, वो कैमरे समझे उससे ज्यादा कैमरे हर इंसान के ऊपर हर वक्त ऑन है। दो फरिश्ते अलग बैठे हुए जो हिसाब किताब अलग लिख रहे हैं। सो एनीवे, कैमरा हर वक्त ऑन है, हर इंसान की रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है और उसकी हार्ड ड्राइव में सेव होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। बात यह है कि जब हम जाएंगे फाइनली, तो ऊपर वाला जब हमें दिखाएगा कि ये देखो जरा ये तुम लोगों ने क्या क्या किया,
तब बंदा क्या करेगा, शक्ल नीचे करके खड़े हो जाए। उसको भी रिवाइंड करें, मतलब आप छोड़े, आप कह दें कि नहीं जाते आप, समझ लें, बहुत सारे लोगों को नहीं एतमाद, नहीं समझ आता। आप सिर्फ अपनी जिंदगी से बात कर लेना कि क्या आपको जो टैलेंट है आपके पास, क्या आपने पूरा उसका इस्तेमाल किया है नहीं। अच्छा, बड़े लोग तो बड़े डिस्टर्ब होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता। कई लोग इस फेज में चल रहे होते, उन्होंने बच्ची को खत लिखा, बच्ची ने कह दिया यार तुम तो इतना अच्छा लिखते हो, राइटर हो गया भाई। हाँ, तो राइटर बन गया। वो राइटर हो गया। हाँ, मतलब ऐसा भी सीन होता है। टीवी शो पे आ गया है, टीवी शो पे आ गया, उसने कहा भाई मैं राइटर हूँ, मुझे बच्ची ने कह दिया, वो तो ऐसी तारीफ कर दी, आपने किसी को एक शेर किसी दिन सुना दिया, बेशक बेवजन था लेकिन बच्ची ने तारीफ कर दी, आपने कहा भाई मैं तो शायर हो गया। किसी ने गाना गाया इंतहाई बेसुरा, कह दिया चार लोगों ने अच्छा गाया तुम सिंगर बन सकते हो, बन गया। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी एक्सटर्नली डिटरमिन हो रही है, आप सवाल जो है वो एक्सटर्नली, उसके जवाब एक्सटर्नली ढूंढ रहे हैं कि फला लोग, और हमारी कंडीशनिंग भी इतनी स्ट्रांग है। आप देखें बचपन से हम जो टीवी शो देखते रहे हैं, जिन लोगों को कामयाब होता हुआ देखते हैं, वो तमाम वो लोग हैं जिन्हें तमगा दिया जाएगा, जिन पे तालियां बजाई जाएंगी। सो द कंडीशनिंग इज कि कामयाबी क्या होती है, कामयाबी क्या होती है कि जब तुम अच्छा काम करते हो तो लोग तालियां बजाते हैं। कामयाबी क्या होती है, जब तुम अच्छा काम करते हो तो लोग तुम्हें तमगा देते हैं। जिस काम में तालियां नहीं बजती, तमगा नहीं मिलता, हम कहते हैं यार ये काम कुछ सही नहीं है, या मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं मिला तमगा। अच्छा, इसमें जो है एक और बात, ये डू वी हैव टू टेक अ कॉल और समथिंग? या या श्योर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बेहतर हूँ, अब आप बताइए। आप लेट क्यों आए आज? आई, आप फोन ही देख रही। मैंने कहा आप लेट क्यों आए आज? क्योंकि मैं लेटा हुआ था। टाइम पे पहुंचा करे ना। मेरे सर में दर्द हो रहा था। एक चीज होती है दर्द शकीका, शकीका हकीका, शकीका वो क्या होता है? उसे कहते हैं माइग्रेन, शकीका। उसका सुबह 7:30 बजे अटैक हुआ था मुझे। ओ ओ, तो उसकी वजह से मैं जो हूँ वो घर पे पड़ गया। ओ ओ, जी आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत आपके लोग बहुत ज्यादा आपके फैन हैं, आपके ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, आपकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग। बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करता हूँ बाहर ही खड़ी रहे। बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपके ड्रामों को, स्पेशली आपकी एक्टिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस ड्रामे में आप हों उसे तो हम कामयाबी की जमानत समझते हैं, और जिस ड्रामे में आप हों वो हम जरूर देखते हैं, कोई ड्रामा आपका हमने कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स वालों से कहूंगा मुझे ज्यादा से ज्यादा ले, वो भी फिर कामयाबी की क्या वो बन जाएगी, मिसाल बन जाएगी। आई एम जस्ट किडिंग। थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एनीवे बैक टू मैर। अच्छा, स्काइप से भी हमारे पास कॉल आ गई है, वो भी ले लेते हैं, हो सकते हो मैर से कुछ पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ऐशा जी? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्लाह करम। मेरी अम्मी को पैसे प्रेशी से बात करनी है। करवा दो। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? आपकी भी आपका प्रोग्राम देखते हैं और बहुत हमें अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? यूएसए। यूएस से? हाँ, क्या बात है। ह्यूस्टन से? बहुत अच्छा है आपकी एक्टिंग, आपकी जो नेचुरल जो भी है। मैं कंप्यूटर रिपेयर करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर रिपेयर स्टोर पर। अच्छा, कंप्यूटर रिपेयर शॉप पे आप जॉब करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं मोर देन 60 आवर्स करता हूँ। वाओ, 16 आवर्स, 60 आवर्स, 60 वीकली। अच्छा, 60 आवर्स काम करते हैं, क्या बात। क्या लगता है जिंदगी में आगे क्या करना है दोस्त? पढ़ना है और इंजीनियर बनना है। अच्छा, आर यू वॉचिंग माई शो राइट नाउ? यस। So, ये फैसल आपके बड़े बेटे हैं, मेरा एक बेटा पाकिस्तान में है। अच्छा, तो बोलते हैं फैसल आपका बड़ा बेटा है, जिससे कि वो छोटा आता है तब आप उससे भी बात नहीं करते और फैसल का प्रोग्राम देखते हैं। ये तो प्यार है आपका। मैंने मैंने आपको आपा बोल दिया, अब मैं आपको अम्मा बोल देता हूँ। ठीक है, हमें आपके प्रोग्राम के बाद हमें खाना भी नहीं मिलता है। बच्चे की शिकायतें सुन लो जरा, खाना भी नहीं मिलता कोई बात। शख्स काम कीजिएगा, हमारी दुआएं आपके साथ है, अच्छा काम कीजिएगा, हमें भी दुआ में शामिल रखिएगा। बहुत शुक्रिया और बस खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने भाई की जो रिक्वेस्ट है वो अम्मा से करे देता हूँ,
कि पहले खाना बना दिया करें थोड़ा सा, ताकि मेरा जो भाई है वो काम वाम करता है उसको प्रॉब्लम ना हो अपनी काम करने में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो वो खुद भी तो बना सकता है खाना। हाँ हाँ सही बात, पॉइंट, मर्दों को खुद खाना बनाना चाहिए, सही कहा आपने जी। मतलब आगे, ये रोल डिविजन्स क्यों है? ये एक आदत होती है ना, ये कन्वीनियंस होती है, कन्वीनियंस होती है, बट हमें बहुत हार्ट में पाला गया एक्चुअली। हाँ, वो एक हमारी डेवलपमेंट उस तरह से हुई है। मैं अक्सर, तुम भी बाहर जाते हो देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं ऑफिस में, इवन बाहर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉफी लाके सर्व नहीं करता या आपको कोई चाय लाके सर्व नहीं करता, आप खुद उठ के जाएं अपना लें और वापस आके बैठ जाएं। बिल्कुल, ये एक मेंटालिटी वहाँ बना दी है कि आपने अपने कपड़े भी धोने हैं तो आप खुद जाएं और जाके नीचे मशीन में पैसे डालें और अपने कपड़े खुद धोएं। बिल्कुल कह रहे हैं, अगर घर में कोई नया सिलसिला शुरू होता है, फॉर एग्जांपल आपने एयर कंडीशनर लगाया है, तो बैठ के घर में डिस्कशन होता है कि किसकी जिम्मेदारी होगी, बजाय इसके अज्यूम कर लिया जाए कि ये घर की खातून नहीं करना है। तो कल मैं एक रिसर्च पढ़ा तो उसमें लिखा था कि खवातीन इस दुनिया का 70% काम करती हैं। इस दुनिया की टोटल प्रॉपर्टी में से सिर्फ 1% उनके पास है, तकरीबन 10% के करीब इनकम उनके पास जाती है। सो इट्स अगेन ह्यूज कंसिडरेशन। वो उन औरतों की बात कर रहे हैं ईशा, जो खाना वाना बनाती हैं, करके भी काम करती हैं। बता रहा हूँ वैसे, ये तो हमारी लाडली है घर में, या पाकिस्तान में ये भी है ना, लाडले भी है कि नहीं बेटे को कुछ ना करने दो या छोटी बेटी है इसको। आई थिंक ये हमारी मोहब्बत ज्यादा है, अगर मुझे किसी से मोहब्बत ज्यादा है तो मैं उसके लिए इतना करना शुरू कर देता हूँ कि मैं उसके सारे काम ले लेता हूँ ताकि उसकी जिंदगी में आसानी हो जाए, और मैं ये बात भूल जाता हूँ कि इसमें उस बंदे की डेवलपमेंट खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उसको आज के हालात में बाहर भी नहीं निकलने देंगे, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक नहीं सीखेगा। रिचर्ड ब्रांसन एक एंटरप्रेन्योर है, 300 से ज्यादा कंपनियां चलाता है, वर्जिन ग्रुप जो चलाता है, कहता है कि मेरी माँ जब मैं छोटा था तो मुझे साइकिल देती थी और टिफिन देती थी और कहती थी जाओ ये 30 किलोमीटर दूर जाओ, फला जगह पे पहुंचोगे, वहां पे खाना खाना और वहां से वापस आना। अच्छा, और कहता है कि मेरी माँ सिर्फ इसलिए करती थी ताकि मैं आजाद ख्याल बनूं, ताकि मैं खुद से निकल के काम कर सकूं, और उसने जिस तरीके से कंपनियां बनाई हैं, दैट्स अ केस स्टडी फॉर द वर्ल्ड। सो अगेन ब्रिंगिंग इट बैक टू हाउसवाइफ, 100% से मुराद ये भी है कि आप जो काम करें उसकी जानकारी तो रखें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कोई उल्टा काम करता है, हमारे खानदान में करते हैं उसको मैचेस दिखाते हैं, या कुछ खानदानों में करते हैं उनको आप कबर्ड के ऊपर चढ़ा देते हैं बच्चे को डराने के लिए, वॉशरूम में बंद कर देते हैं। अब ये आपका छोटा सा अमल है, लेकिन अगर इसकी साइकोलॉजी में जाया जाए तो यही अमल उस बच्चे को जिंदगी भर एक खौफ में मुब्तला कर सकता है कि वो जिंदगी भर आग से डरेगा या हाइट से डरेगा या पानी से डरेगा। तो अगेन 100% से मुराद ये भी कि जो काम कर रहे हैं उसको सीख लें, उसको समझ लें, उसी काम को उसी अंदाज में करते रहना, क्योंकि आपके बाप दादाओं ने आपके साथ ऐसा किया था या हमारे खानदान में तो सारे बच्चे ऐसे ही पले बढ़े, इज नॉट अ जस्टिफिकेशन ऑफ हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, एक जैसे मैं कहीं पे पढ़ रहा था, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि हम जैसे बच्चों को सबके सामने चपेड़ मार देते, तो वो जो चपेड़ है या वो चाहे घर में पेरेंट्स से पढ़ी हो या स्कूल में आपको टीचर से पढ़ी हो, वो चीजें बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं बच्चों में। इज इट ट्रू? या मतलब सेल्फ एस्टीम को बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट जरूर है, यानी अगर आप बच्चा कोई गलत काम करता है उसको पनिशमेंट बिल्कुल दी जाए ताकि उसके अंदर वैल्यू सिस्टम है, उसको समझ जाए क्या सही क्या गलत है। लेकिन पनिशमेंट से मुराद चमाट नहीं होता, क्या मारना शुरू, पनिशमेंट से मुराद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है कि आपके पास पहले मैं आपको चॉकलेट देता था, मैं आपको नहीं देता चॉकलेट, दैट टू इज अ पनिशमेंट, या पहले मैं आपको घुमाने लेके जाता था, जिस दिन आपने गलत काम किया मैं आपको नहीं लेके जाऊँ। सो पनिशमेंट के भी तरीके कार हो सकते हैं, और हमेशा ये तो कानून है कि जब तारीफ करनी है तो सबके सामने, और जब बेइज्जती करनी है, जब एहसास दिलाना है तो अकेले में, चाहे बड़ा हो बच्चा हो, इनफैक्ट बड़ों के साथ ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी वेरी थैंकफुल टू फ्यू माय कोलीग्स जो के शोज करते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं या थे, दोबारा करने लगे, तो उनकी उन्होंने हमारी पब्लिक में बहुत, हमारी औरतों में एक आदत डेवलप की। मेरे भी शोज पे अक्सर कॉल्स आती है कि आप देख रहे हैं वेडिंग वीक हो रहा है और वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं और आप लोग जो है थैंक गॉड आप। मैंने कहा भाई कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा, इससे आपको क्या लेना देना, बात ये आपको किस तरह का शो देखना है। आपके चैनल्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने जो देखना है वो देखे, उसमें किसी को क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत, या बिला वजह किसी के बारे में ये कहना है कि वो, उसको तो एहसास ही नहीं है, हम नहीं जानते।
कि किस मजबूरी में कौन इंसान क्या काम कर रहा है या किस वजह से उसको ये सब कुछ करना पड़ा। तो वो जो एक डेवलपमेंट हो गई है हमारे कुछ लोगों की कि वो क्रिटिसाइज करना है दूसरे को, वैसे ये आई थिंक ये नीड्स की बात है। हम अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं हर इंसान की कुछ स्टैंडर्ड नीड्स हैं, उन नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए आप सब काम करते हैं, चाहे मैं प्लेन से कूदा या चाहे आप ये शो चलाते हैं या चाहे यहाँ पे लोग कैमरे के पीछे बैठे हैं, सबकी कोई ना कोई नीड्स है, या जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं उनकी भी कोई ना कोई नीड पूरी हो रही है। सवाल करने की जरूरत है कि मेरी क्या नीड पूरी होती है। सिंपल एग्जाम्पल कुड बी कि अगर आप इस लेवल पे हैं और सामने वाला इस लेवल पे है, ठीक है, आपसे बेहतर हो सकता है या आपके लेवल पे भी हो सकता है, अगर आपने इससे बेहतर बनना है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको लात मार के नीचे करो या अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना मुश्किल काम है, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना मुश्किल काम है, दूसरे को जूती मार के नीचे करना आसान काम है। लेकिन वो जिसमें आप जूती मार के जब ऊपर करता है ना तो उसमें वो जब नीचे जाता है तो आपकी टांग भी पकड़ के खींच ले। हाँ, वो तो डाउन स्टैंडर्ड ऊपर करते हैं। हाँ, तो वो भी बंदा परेशान तो है, कैसे ऊपर गया। एंड दैट्स व्हाट जो बिजनेस सेक्टर है वो ऐसे ही काम करता है, कंपटीशन ऊपर जाने की कोशिश करता है, बहुत रेयरली वो कंपेटिटिव एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है। अगर हो जाता है किसी एक एड में एक ब्रांड दूसरे ब्रांड के बारे में बात कर लेता है, अगला एड दूसरे ब्रांड का उसी ब्रांड के बारे में बात करके उसको निल इफेक्ट कर देता है। सो अगर हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम सब ऊपर जाते हैं, टांगे खींचना शुरू करें, जो कि हो रहा है। That's what has been happening for the last 3 weeks. जो आप टेलीविजन चैनल्स, न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं क्या हो रहा है। Exactly. और आई थिंक उस पर ये भी आपका सवाल बन सकता है कि इन हालात में रहते हुए आप जो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, 100% की बात कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं चाहता। तो इस पर मुझे बड़ी एक कहानी याद आ जाती है कि जब मैं बीबीए कर रहा था अपना, जो मेरी पहली मोहब्बत थी, जब वो खत्म हुई तो उस पर मुझे खातून ने कहा कि काफी सारे डिस्कशन के बाद एंड में शी सेड के यू यूज्ड मी, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया। तो खैर वो बोलती रही एक ही बात बार बार, तो मैं तंग आके मैंने उसको कहा कि अगर मुझे करना होता तो मैं बहुत कुछ और कर लेता। दिस वाज अ मैन स्पीकिंग विद ईगो के इफ आई हैड टू आई वुड हैव डन इवन मोर। तुम्हारी जितनी औकात थी तुमने उतना किया, इससे ज्यादा कि तुम में तपड़ नहीं थे। और ये बात मेरे दिल पे आज तक लिखी भी है कि जिसकी जितनी औकात है वो उतना करता है। ठीक है, सी सो फॉर एग्जांपल हम मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, ऊपर टॉप पर्सनालिटीज को करते हैं, फैक्ट ये कि उनकी जितनी औकात है वो उतना करते हैं, हमारी जितनी औकात है हम उतना गली में कर लेते हैं, अपने दफ्तर में कर लेते हैं। बिल्कुल, आप उस जगह पे होते तो शायद आप। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि इंसान को जितना भी हो सके पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और उसके साथ साथ अपना 100% जो है वो हर फील्ड में देना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव काम में, नेगेटिव काम में ना दें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, एंड विल सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। मुस्कुराती